था जो डिजाइन दिख रहा है ये जंतर मंतर है, इसमें धूप घड़ियां बनी है, सनडायल्स बने, सोलर वॉचेस हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पे बेस्ड है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, ऐसे ही पूरा पिंक सिटी भी जो है यूनेस्को में आता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो इतने दिनों से मैं आपको जयपुर घुमा रहा हूँ, तो इससे पहले मेरा ब्लॉग आया था जंतर मंतर के ऊपर, तो अब मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ हवा महल की तरफ। तो हवा महल जो कि बहुत ही फेमस है, तो अगर आप जयपुर आए और अगर आपने हवा महल नहीं देखा तो जयपुर में देखा ही क्या। तो अब चलते हम हवा महल की तरफ। तो अभी तो मैं रूम में हूँ जस्ट, तो अब चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि हवा महल है किस प्रकार, क्या क्या चीज़ें हैं, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, तो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो है ही, तो हम भी देखें ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो यार होटल के बाहर ऑटो का वेट कर रहा हूँ, तो ऑटो वाला आ रहे हैं, तो अब चलते हैं वहाँ, फिर आपको दिखाते हैं कि हवा महल है किस तरह और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। तो गाइस फाइनली मैं हवा गेट के बाहर पहुंच चुका हूं, मेन गेट के बाहर। तो यहां पे यार बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको नॉइस आ सकता है बहुत ज़्यादा, तो उसको अवॉइड करो। तो यहां पे अंकल जी मेरे को मिले, तो ये बता रहे हैं कि अंदर आप कैमरा वगैरह ले जा सकते हैं, और फिर चलते हैं अब अंदर की तरफ। हेलो भाई, तो गाइज यहाँ पे ना पूरी सिटीज़ मतलब कलर है वो बिल्कुल पिंक ही है, तो इससे पता लग जाता है कि यार पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। तो जो एंट्री फीस है वो है 50 रुपीज़, तो अब मैंने भी टिकट ले लिया है अपना, तो अब अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ पर्सन हैं, तो आपको गाइड्स भी बाहर मिल जाएंगे यहाँ, तो अगर आप आते हो तो गाइड्स भी ले सकते हो, तो अच्छे से एक्सप्लेन करने को चीज़ें मिल जाएगी। तो मेरे को भी एक पर्सन मिल गए हैं, तो वो अंदर की सारी चीज़ें आपको बताएँगे। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था रॉयल लेडीज़ के लिए। ये एक नॉन रेजिडेंशियल पैलेस था, यहाँ रहता कोई नहीं था। ओके। जयपुर को 1727 में सवाई जय सिंह सेकंड ने वास्तु के आधार पर प्लान किया था, तो सिटी को 9 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं उसके। हाँ जी हाँ जी। शहर के बीच में जो सेंट्रल पार्ट है रॉयल फैमिली ने खुद के पैलेसेस के लिए रखा, जिसमें सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, इसके सामने का जयपुर के मेयर का ऑफिस, ये सब मिलाकर एक ही पैलेस हुआ करते थे। डोर पर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते थे, राजा वहाँ बैठ के सेरेमनीज को दिखा करते थे। ये चांदपोल गेट है, इसके टॉप पर सेंटर में चंद्रमा का निशान बना हुआ है। ये बिल्डिंग सवाई प्रताप सिंह ने कृष्ण भगवान को समर्पित कर दी थी, कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, लिंगम का साइन बना है। ओके। ऊपर का पीला पार्ट जैन आर्किटेक्चर है, नीचे का वाइट पार्ट पर्शियन आर्किटेक्चर है। आगे अंदर चलते हैं। तो जो ऊपर जो ये मैन है, मतलब इसको कहा जाता है कि मतलब जैसे श्री कृष्ण थे, तो मतलब उन्हीं के डिजाइन में ये पूरा बनाया गया है। फसाड बोल है ना। हाँ ओके। भगवान के हाँ जी डिजाइन में बना हुआ। ओके। तो ये है मेन एंट्री गेट यहाँ पे अंदर। तो यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, आप चढ़ के। हाँ जी। तो यहाँ पे है एंट्री, 3, 4, पीछे पांचवा। इस पैलेस के अंदर दो टावर्स बने, एक उस कॉर्नर में, दूसरा इस कॉर्नर में। दोनों टावर्स को छोड़ के जो मिडिल पार्ट है, फ्रॉम 1799 ईयर्स ओल्ड है। जैन और हिंदू आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। लालचंद उस्ताद इसके आर्किटेक्ट का नाम था जिसने इसका डिज़ाइन बनाया। नीचे का इसका पहला फ्लोर शरद मंदिर कहलाता है, इसमें दिवाली के सेलिब्रेशंस पार्टीज हुआ करते थे। अभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का ऑफिस चलता है। ओके। इधर में कैफे शॉप चलती है, कैफे डे। बीच वाला रूम प्रताप मंदिर कहलाता है, सवाई प्रताप सिंह पोइट थे, यहाँ बैठ के पोइट्रीज वगैरह लिखा करते थे। उनका स्टेचू रिपोर्टेड अंदर रखा है।
यहाँ पीछे फाउंटेन दिख रहा है, ओरिजिनली पूल था, होली के इवेंट पे लोग कलर डाल के होली खेलते थे, अदर डेज में नहाने के काम आता था फाउंटेन, गवर्नमेंट ने लगवाया डेकोरेशन के लिए। सामने लिखा है भोजनशाला, ये डाइनिंग हॉल विद किचन था, वहाँ बैठ के लोग खाना खाया करते थे। कॉर्नर से ऊपर हवा महल में जाने का रास्ता है, तो पहले हम स्टेचू पोर्ट्रेट देखेंगे राजा का, ऊपर okay. चलेंगे, देखते हैं यहाँ पे राजा की पुरानी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें थी उस समय की। तो मेरे साथ है गाइड्स, तो ये आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रताप सिंह महाराजा हैं जिन्होंने पैलेस बनवाया था, ये उनका पोर्ट्रेट है, ओरिजिनली उनको देख के पेंट किया गया रॉयल टाइम में, स्टेचू सिलिकॉन से बना हुआ है। ओके, यहाँ बैठ के अपना दिन का समय बिताया कर सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी ड्रेस है कुछ इसी प्रकार है जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है। तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, तो आप पढ़ सकते हो। ये डोर्स पे मिनीचर पेंटिंग बनी हुई है, हैंडमेड पेंटिंग्स है, नेचुरल कलर्स के साथ बनी हुई। मतलब पहले ऐसे रैंप्स बनाए जाते थे यहाँ पे, है ना। कहा जाता है कि जो रानियाँ थी वो मतलब चल नहीं पाती थी इसमें। कारण ये था कि फेस्टिवल के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। फेस्टिवल पर रॉयल लेडीज 20-25 केजी गोल्ड और सिल्वर के हैवी ऑर्नामेंट्स पहनती थी, लंबे लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे। 5 फ्लोर जो है पैदल चल के जाना मुश्किल था, इसलिए पालकियाँ करती थी, वुडन कार्ट होती थी विथ 4 व्हील्स, इनके ऊपर रॉयल लेडीज़ को बिठा के व्हील चेयर की जैसे नीचे से ऊपर लाते ले जाते थे। और सेकंड फ्लोर रतन मंदिर, रतन मंदिर। ओके, तो ये है रतन मंदिर। और मतलब उस समय की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया है। और ये उसका जो बैक साइड रेलिंग के पीछे वाला हिस्सा है ना, ये बाहर से आप जो फसाद वॉल देखते हो उसका इंटरनल पार्ट है। पहले पर्दा प्रथा थी, राजा अपनी लेडीज़ को पब्लिक में जाके प्रोसेशंस फेयर्स नहीं देखने देते थे, पर्दा सिस्टम था, व्हील सिस्टम। तो सिटी पैलेस से सारी रॉयल लेडीज़ यहाँ आती थी, बालकनीज में बैठ के विंडो के थ्रू पीछे की रोड से जो प्रोसेशंस निकला करते थे उनको देखा करती थी। मतलब जो ये छोटी खिड़कियाँ रहती है जैसे ये वाली विंडो, उनको रोके कहा जाता कहते हैं कि बालकनी है, लेटेस्ट बालकनी बाहर की तरफ लटकी हुई हवा में। ओके, तो रानी यहाँ बैठती थी, इन विंडोज़ के थ्रू बाहर निकलने वाली यात्राएं, जुलूस, मेले, उनको ऐसे देखा करती थी। तो जो ये इसमें कांच लगाए गए, ये पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। अच्छा, और ये राजस्थान में चला आ रहा कहीं से साधन से, चेन ग्लास कहलाता है। अच्छा, तो डिज़ाइन की गई है कि समर में हवा की फ्लो को इंक्रीज कर देती है, तो अंदर से हवा ठंडी होके और फ्लो के साथ आती है, इसलिए कूल रहता है। ऊपर जो रिंग्स हैं शैंडेलियर्स के लिए, नीचे वाले रिंग्स कर्टन्स के लिए हैं। ऐसे ही बाहर हम देखेंगे पर हुक्स हैं जिनमें टेंट्स लगाए जाते हैं समर में इस एरिया को कवर करने के लिए। पत्थरों में जो ऊपर गोल छेद है वो मशाल लगाने के लिए बने हुए, ये मशाल वाली चीज़ें। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, ये तो ये है यहाँ पे झरोके। तो यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, मार्केट को देख सकते थे। तो उस समय रानियाँ यहाँ से कुछ भी फंक्शन होता था बाहर, तो यहाँ से बाहर देखते थे, मेले निकला करते थे, यहाँ से उनको देखा करते, मतलब झांकियाँ निकलती थी कभी कोई भी। अच्छा, जिले के आगे थे, हाँ प्रोसेस निकलते थे यहाँ से रॉयल टाइम में। इसका पूरा व्यू उधर से आएगा सामने से चलते हुए। तो ये देखो यहाँ से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है टॉप फ्लोर, और साथ में मतलब बिल्कुल कहा जाता है कि मधुमक्खी की छत की तरह है, तो बिल्कुल उसी तरह आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत शानदार व्यू भी उतना ही खूबसूरत है आज। तो आपको बता रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसकी बैक हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो मेरे साथ है गाइड, तो ये आपको गाइड करेंगे। तो ये इसका पूरा व्यू यहीं से आता है, फोटोग्राफी का मेन पॉइंट है, फोटो लेना होता है तो यहाँ लाते हैं टूरिस्ट को, यहीं से पूरा व्यू देखते हैं। मतलब इसकी ओपनिंग टाइम सुबह 9:30 खुलता है, 9 बजे खुलता है, 9 बजे 5:30 बंद हो जाता है। ओके, काउंटर 6 बजे तक आप अंदर देख सकते हैं। ओके,
सबसे जल्दी बंद होने वाला है 4:30 बजे जंतर मंतर। उसका भी बैक साइड वही मैन्यू की बाहर देखने के काम आया करता था, ये वाला साइड कृष्ण भगवान के टेम्पल के प्रेयर रूम के रूप में यूज आया करता था। ओके, सवाई प्रताप सिंह यहाँ बैठ के कृष्ण भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, भक्ति किया करते थे, यहाँ बैठ के उनकी पोइट्रीज लिखा करते थे, आगे यहाँ पे भजन वगैरह सुनाया करते थे, ये गम सुने टाइम स्पेंड किया करते थे। तो आपको बहुत शानदार चीज़ें देखने को यहाँ मिल रही है, और यहाँ पे मतलब छोटे छोटे झरोके हैं, तो हवा महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं बहुत सारी, कम से कम 945 के करीब, तो इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और ये हमेशा ठंडी हवाओं से घिरा रहता है चारों तरफ से, तो इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। ये विंडो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हवा की फ्लो को अंदर इंक्रीज करती हैं, डस्ट को बाहर रोक देती हैं, क्योंकि चूल्हे से बनी जा रही है, गर्म हवा चूल्हे से टकरा के ठंडी होकर अंदर आया करती है। आप इसको छू के देखेंगे आपको हवा का फ्लो महसूस होगा, मतलब एयर कंडीशन का काम करते हैं। ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब जब आप कभी आओगे तो चेक करना है कि इसमें जो हवा आ रही है वो कितनी अच्छी हवा आ रही है, ये बाहर से डस्ट बिल्कुल भी अंदर को नहीं लाती है। तो ये बाहर का व्यू देखो आप यहाँ से, ये फोर्थ लेवल है, इसका नाम प्रकाश मंदिर है क्योंकि ऊपर से ओपन है। ओके, ये मनोरंजन के लिए बना था, राजा उनकी चीफ क्वीन यहाँ बैठा करते थे, जितने डॉम्स हैं म्यूजिशियंस के लिए बने हैं, उधर वाला सिंगर के लिए बना है, ये वाला सिंगर के लिए, और फ्लोर जो है सिंगर डांसर के लिए, तो कथक पे बेस्ट कृष्ण भगवान की भक्ति से रिलेटेड नृत्य की प्रस्तुतियाँ की जाती थी, यहीं पे होते थे, मतलब जितने भी सिंगर डांसर कथक के ऊपर कृष्ण से रिलेटेड जो है भजन जो भी फंक्शन होते थे वो यहीं इसी में। तो गाइज मैं हूँ अभी टॉप फ्लोर में, 5th फ्लोर है, तो आपको अभी गाइड ने सारी चीज़ें यहाँ की बताई, तो यहाँ पे मेरे को गाइड मिल गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई वो आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ के बारे में बताएं, हिस्ट्री शेयर करें, तो आपको कैसी लगी हिस्ट्री जितनी भी उन्होंने बताई, तो आई होप अच्छी लगी होगी। तो मैं अब आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ ऊपर से कि किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये 5th फ्लोर से ऊपर से आपको व्यू दिखाई देगा, पर यहाँ पर इस फ्लोर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो जब भी आओ तो सुबह के टाइम में ही आओ, तब आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा जो डिज़ाइन दिख रहा है ये जंतर मंतर है, इसमें धूप घड़ियाँ बनी हैं, सनडायल्स होने हैं, सोलर वॉचेस हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पे बेस्ड है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, ऐसे ही पूरा पिंक सिटी भी जो है यूनेस्को में आता है। उसके सामने रोड क्रॉस करके वो क्लॉक टावर के साथ जो दिख रहा है बिल्डिंग येलो कलर का, वो सिटी पैलेस है, चंद्र महल, 200 रुपीज़ का उसका एंट्रेंस टिकट है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें हथियार हैं, कपड़े हैं, दीवाने आम है, दीवाने खास है, चांदी की कलश है। ओके, वो रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, अभी प्रेजेंट रॉयल फैमिली वहीं रहती है। वर्तमान में जयपुर के राजा हैं सवाई पद्मनाभन सिंह, जो 23 वर्ष के हैं, वो उसमें निवास करते हैं। ओके, मतलब अभी भी उसमें राजा रहते हैं, रहते हैं। पहाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट है, 1734 में सवाई माधो सिंह ने, जो कि 9 फेवरेट क्वींस थी, उनके लिए वहाँ 9 इक्वल अपार्टमेंट्स, एक जिसे हवेलियाँ बनाई थी, तो हाईएस्ट पॉइंट है सिटी का। मतलब ये यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है, पूरा कवर होता है। ये अरावली माउंटेन रेंज कहलाती है, ये दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात तक जाती है, राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है वो गणेश जी का मंदिर है, गढ़ गणेश। पहाड़ी के पीछे में 2 फोर्ट हैं, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। तो 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी में फोर्ट और पैलेस वहाँ बसाए गए थे, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, तो यहाँ चले आए ग्राउंड लेवल पे 1727 में जयपुर बसाया। 1876 में 1876 में लंदन से किंग एडवर्ड आया था, उसके वेलकम के लिए जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर को पिंक कलर में पेंट कराया था। पिंक जो है लव और फ्रेंडशिप का सिंबल है, तब से पिंक सिटी कहलाता है। और खाली जो बाहर का मेन रोड वाला पार्ट है जो स्ट्रीट को फेस करता है वही पिंक कलर में है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड येलो एंड वाइट। तो इस तरीके से पूरा पिंक सिटी दिखाई देता है। तो एक फोर्टिफाइड वॉल से घिरा हुआ है जिसमें 7 एंट्रेंस गेट बने हुए हैं। तो गाइज यार अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितना मैंने आपको बताया तो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो 5th फ्लोर है इसका मतलब बहुत शानदार है यार, मतलब घूमने आओगे तो ज़रूर आना।